सो फर्स्ट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाई डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना? ठीक है, डेटा वाई डेटा स्ट्रक्चर। सो वाई डेटा स्ट्रक्चर, BSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, पूरी तरीके से जो बोलते हैं। एंड कितने टाइप के हैं, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? और लाइक देर आर मैनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच वी आर जनरली यूजिंग, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ वन एटलीस्ट। ओके, सो मोस्टली वी विल स्टार्ट विथ एरेज, जो आप सबको पता है। एंड देन ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट सी लाइक वॉट आर द पैरामीटर्स बेसिकली। ओके, यहाँ पे आता है कि पैरामीटर्स क्या होता है किसी भी अल्गोरिदम को, किसी भी अल्गोरिदम को बेसिकली ये बताने का दैट वेदर इट इज एफिशिएंट और नॉट, एफिशिएंसी नापने का बेसिकली, ठीक है ना? एफिशिएंसी उसकी नापने का, एफिशिएंसी की स्पेलिंग गलत है। ओके, सो बेसिकली सो हम लोग ये सब चेक करने वाले हैं। तो इसमें अदर स्टेप्स क्या लगते हैं, जो करंट जो आएगा वो है टाइम एंड स्पेस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जैसे जैसे हम एवरी वे वी विल डू द प्रॉब्लम्स, फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी विल कैलकुलेट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, देन उसके बाद आता है, देन वी विल सी दैट कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम। ठीक है, बिकॉज एवरी वन हियर इज फॉर जॉब्स। ठीक है, प्रिपरेशन कहाँ से रहनी चाहिए मोस्टली, एंड देन फाइनली जॉब्स में क्यों लगता है ये। तो लास्ट वाले को सबसे पहले लेंगे ताकि आपका रीजन पता हो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम। तो एनी कोई भी कंपनी, ओके, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। होप्स के बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। अलीकरीम सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग नाउ। हाँ यस सर, यू कैन स्टार्ट। एक्चुअली थोड़े से हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं जिनको ऑलरेडी बेसिक पता होगा शायद, पता होगा, मगर नए स्टूडेंट बहुत सारे भी ज़्यादा है, तो पुराना रिपीट करके ही आगे जाएगी ताकि नए लोगों को भी थोड़ा डिफिकल्टी ना आए, क्योंकि फिर नहीं तो बाउंस जाएगा उन लोगों को। ओके ओके, बेसिक में अभी बेसिक ही रखने वाला हूँ, सो दैट दे कैन एवरीवन आर ऑन द सेम पेज, वरना हाँ, मेजर वो पर्सपेक्टिव एक स्टार्टिंग में ये हो जाए कि व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर एंड हाउ टू या प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि करेक्ट टेक्निकल नॉलेज होता है उसके बावजूद भी जॉब लगने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यूज के। राइट राइट या ओके, वी विल कवर ऑल द स्टफ। ओके सो या गाइस, सो बेसिकली अभी हम लोग व्हाई वी आर डूइंग दिस इज सो दैट एवरीवन आर ऑन द सेम पेज। ओके, बिकॉज लाइक देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर, सम आर न्यू एंड सम आर ओल्ड। ओके सो ओके, तो जॉब्स में भाई इन आप लोग को तो पता ही होगा, इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग के क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एक्चुअली कॉलेजेस भी नहीं है, मतलब बहुत सारे मशीन्स है जो मास प्रोडक्शन करती है इंजीनियर्स का। ठीक है, तो दिस मास प्रोडक्शन जो इंजीनियर्स का मास प्रोडक्शन होता है, सो इतने जॉब्स इंडिया में अवेलेबल होते भी है, नहीं भी होते, लाइक देर आर अवेलेबल बट स्किल्सफुल नहीं होते हैं। ठीक है, यू लर्न द एकेडमिक, ओके, 4 ईयर आपने डिग्री किया और मे बी 3 ईयर आपने डिप्लोमा किया, बट द होल सिनेरियो इज दिस इज प्योरली एकेडमिक। ओके, ये एकेडमिक है जिसका बहुत हद तक कॉरपोरेट से थोड़ा सा कनेक्शन टूटा हुआ है। ओके, लाइक कॉरपोरेट इज नॉट सेम एज एकेडमिक। ओके, लाइक देर आर ह्यूज डिफरेंस, ऑल्दो सिलेबस एंड एवरीथिंग सब सही है, बहुत अच्छा है, बट स्टूडेंट्स जो मेंटेलिटी से प्रिपेयर करते हैं इज ओनली टू पास, भाई एग्जाम क्लियर हो जाए, ये मेंटेलिटी होती है। ठीक है ना? तो ओके, मैं ऐसे ऐसे क्यों करा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज के आप लोग का ध्यान रहे मेरे एवरी वर्ड्स एंड स्टेटमेंट में,
अगर मैं एक स्लाइड चला दूंगा तो आप वो स्लाइड पढ़ के वो उसको कैचअप कर जाओगे. तो बेटर है यू जस्ट फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड ऑफ माइंड, और कुछ भी डाउट है रेज योर हैंड एंड लेट मी नो. एंड और एक चीज, लाइक लास्ट 15 मिनट वी विल कीप फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस. ओके, सो टुडे ग्राउंड अप सेशंस है. तो सो मोस्टली यही है कि एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट में बहुत डिफरेंस है. आर स्टूडेंट्स मेंटालिटी जनरली आर जस्ट टू पास, ठीक है, पास हो जाए, हाथ में डिग्री मिल जाए, ठीक है, और दैट्स इट. उससे ज्यादा डिग्री इज पेपर, पेपर बेसिकली, डिग्री का पेपर स्लैश सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट. ओके, सो विच इज, दिस इज योर गेट पास एक्चुअली, विच इज गेट पास फॉर योर, फॉर योर स्टार्टिंग करियर, ठीक है ना. एक बार फॉर स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब, एक्चुअली वेरी फर्स्ट जॉब, ठीक है. एक बार पहला जॉब लग गया, योर फर्स्ट जॉब इज डन, ठीक है. उसके बाद कोई नहीं पूछता, नो वन आस्क यू विच कॉलेज, विच कॉलेज, कोई नहीं पूछता. ओके, व्हाट्स योर रैंक, व्हाट इज योर लाइक, व्हाट्स योर स्कोर, सीपीटी एंड जो भी है, ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, नो वन आस्क यू. ओके, दिस इज ओनली फॉर, इट्स लाइक के समझ लो, आप जब मूवीज वगैरह देखने जाते हो तो टिकट लगती है ना, कि भाई ये टिकट रहेगी आपके पास तो मूवी थिएटर में एंट्री मिलेगी, या पास रहेगा तो कोई अंदर जाने मिलेगा. तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू इट. ओके, बट टुडे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है दैट वी हैव लाइक, यू अंडरस्टैंड कि पहले तो हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस थे, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस थे, ठीक है, और उसके ऊपर हर जगह बीएससी है, ठीक है. फिर उसके बाद में बीएससी के एक बहुत वेरिएशंस अवेलेबल है, ठीक है ना. कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इन कंप्यूटर है, आईटी है, फिर उसके बाद में एमसीए है, बहुत सारे, ठीक है. इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. ओके, टुडे मैं जस्ट ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वाई, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर करना क्यों जरूरी है, ठीक है. और उससे इम्पॉर्टेंट, हम लोग दो प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत छोटे एरेस पे एट द वेरी एंड, और उसके बाद में वी विल डू द क्वेश्चन आंसर सेशन. एंड दिस स्टफ्स विच आई एम करंटली टेलिंग यू विल ओनली टेक नेक्स्ट 15 मिनट्स मोस्टली, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो जस्ट बी विथ मी एंड अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई यू हैव टू बी अहेड ऑफ एवरीवन. ओके, सो ये आ गया बीएससी वाला पार्ट. फिर आते हैं हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स है, ठीक है. इंजीनियर की अगेन बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, अगेन आती है आईटी से, ठीक है, फिर उसके बाद आती है कॉम से, फिर उसके बाद आती है. चलो ये तो थे भाई वो लोग जो बहुत ज्यादा, ठीक है, हकदार लोग थे, लाइक एवरीवन इज कमिंग. बट सिंस आईटी पेज अ लॉट, बहुत पैसा पे करता है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर्स, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर. तो अब यहाँ इशू क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, मतलब एवरी इंजीनियर, ठीक है ना. आजकल तो कोई और भी आ रहे हैं, कॉमर्स वाले भी आईटी में घुस रहे हैं, ठीक है. तो आप लोग समझ लो कि भाई कंपटीशन कितना, किस लेवल का है, ठीक है. जॉब एक है, सीट एक है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट में कॉम्पिटिशन है. तो अब कंपनीज भी क्या करेगी भाई, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कैंडिडेट फॉर देम. बेस्ट कैंडिडेट कंपनी कैसे निकालेगी, बिकॉज दे वांट द बेस्ट कैंडिडेट, राइट. वो किसी को भी नहीं देगी. एक वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, जस्ट सपोज, ठीक है ना, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग में से किसी ने तो कभी लाइफ में शॉपिंग करी होगी, ठीक है. शॉपिंग तो वैसे सभी करते हैं, शॉपिंग करी हुई, शॉपिंग लाइक एनीथिंग, लाइक यू आर बाइंग अ टी-शर्ट, यू आर बाइंग एनीथिंग, ठीक है. तो भाई, और यू आर बाइंग अ टमेटो, ठीक है, टोमेटो, ठीक है. तो इसका प्राइस कितना होता है, लाइक व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, पर केजी का प्राइस कितना है, लाइक हार्डली 40 रुपीज पर केजी, मतलब बहुत लेमैन एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, दस, सो दैट यू कैन बी विथ मी, ठीक है ना. और टी शर्ट का अज्यूम कर सकते करते हैं, सबसे सस्ता टी शर्ट इज लाइक 400, ठीक है. अब आप जब ये 40 रुपीस एक केजी के लिए देते हो,
ठीक है ना, फॉर टमेटो और टी शर्ट. सो अगर इस टी शर्ट में कहीं कोई डिफेक्ट हुआ, विल यू एक्सेप्ट इट, दिस डिफेक्ट, डिफेक्टेड पीस हुआ, विल यू मतलब विल यू एक्सपेक्ट इट, एक्सेप्टेड इट, नहीं करोगे. और इसमें अगर उस शॉपकीपर ने टमाटो में दो या तीन, आपके मम्मी लोग को देखना, दो या तीन टोमेटो ऐसे डाल दिया, ठीक है, जो खराब है, ठीक है, जस्ट अ पीस आई एम टेलिंग अबाउट, नॉट नॉट द होल आइटम, ठीक है, विच इज रॉटन, यू कैन से लाइक सड़ गया है, गल गया है, चलेगा? नहीं चलेगा भाई, आप लोग झगड़ा कर लोगे उसके लिए. बिकॉज यू विल टेल देम अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, फ्री का पैसा नहीं है, फ्री में नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, फ्री का पैसा नहीं है. तो देन वॉट, देन वॉट, यू सेलेक्ट, यू चेक द कलर, यू चेक द टी शर्ट, यू चेक एवरी सिंगल थिंग, ठीक है. ट्रायल रूम में जाते हो आप, उसको पहनते हो, उसका कलर देखते हो, यू टेक द एडवाइस ऑफ, एडवाइस लेते हो, भाई कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है कि नहीं, सूट करेगा कि नहीं. फिर उस देन ये लड़कियां तो बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती है क्योंकि वो 10 दुकानें जाती है, ठीक है. एंड सेम विद दिस, ठीक है ना, आधा 1 किलो आपने टोमेटो लिया, दो या तीन भी खराब अगर निकल गए तो आपके मम्मी तो उसको नानी याद दिला देंगे. तो क्या लगता है, कंपनी जब आपको, व्हेन कंपनी इज पेइंग यू, पेइंग आपको पे कर रही है, ठीक है ना, पर मंथ 40,000 पे कर रही है, 40K पर मंथ पे कर रही है, विल दे एक्सपेक्ट देयर कैंडिडेट टू बी द वन हु कैन नॉट डिलीवर द टास्क, कैन नॉट डिलीवर द टास्क, नो, दे कैन नॉट एक्सपेक्ट, लाइक ये उनका बजट होता है, दे हैव सम बजट, दे हैव सम डेडलाइंस टू मीट, दे हैव सम लाइक टारगेट टू अचीव, ठीक है ना. तो व्हाई, अब जिस तरीके से आप लोग ये टी शर्ट एंड ये टमाटो वाला सीन जो मैं बताया बहुत लेमैन एग्जांपल से, आप लोग सेग्रीगेट करते हो, फिल्टर आउट करते हो टू गेट द बेस्ट विच यू कैन टेक फ्रॉम द शॉपकीपर, ठीक है ना, देन दैट इज समथिंग वेयर कम्स अप. तो फॉर सिंगल जॉब्स, सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर इंफोसिस, ठीक है, आप इन्फी में अप्लाई कर रहे हो, इन्फी में आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पे लगभग 10 जॉब्स है, तो उसके लिए लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं, 10 जॉब्स है, ठीक है, 10 जॉब्स आर देयर, बट हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, कैंडिडेट्स आर ऑलमोस्ट अराउंड, कैंडिडेट्स आर ऑलमोस्ट अराउंड इन थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं. तो कंपनी टेस्ट लेती है, अब टेस्ट कैसे लेगी, टेस्ट विल बी सिंपल, वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, यहाँ आता है हमारा रीजन व्हाई हम डेटा स्ट्रक्चर. ये तो एक बेसिक हो गया कि भाई हमको कंपनी में जॉब चाहिए, और उससे बड़ा रीजन तो ये है कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड इन कोडिंग, कोडिंग इंटरव्यूज एंड कोडिंग राउंड, ठीक है. तो अब आपको इस चीज को करना है, बहुत अच्छे से करना है. सो हाउ वी कैन डू दैट, हम कर कैसे सकते हैं, दे सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू टू स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, व्हेन यू विल स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर इज सेलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके. आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, तो इन आर केस वी आर सेलेक्टिंग जावा, जावा स्क्रिप्ट, सॉरी जेएस, जावा स्क्रिप्ट, वी आर सेलेक्टिंग जावा स्क्रिप्ट, ओके, दिस जावा, ये जावा स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज वी कैन. अब आते हैं सेकेंड, वॉट एल्स, कहाँ से करना है, प्रिपरेशन कहाँ से करना है. आपको सबसे पहले तो एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उस लैंग्वेज को प्रिपेयर करने के बाद में डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है. डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो आप लाइक जनरली मार्केट में ये बोलते हैं, लाइक आई एम द पर्सन हु इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली लाइक 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक जो वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड लाइक मल्टीपल आई हैव डेवलप द एप्स, ठीक है. सो देर आर, एक एक ऐप बता देता हूँ जो मैंने मेरे हाथ का बनाया हुआ है, या दिस वन, इंशाल्लाह
this app is which I have built from scratch, and so this one. So yes, something which is similar to TikTok hai. Ye video recordings and everything. Okay, so we come from this background and experiences. Okay, so aap to general market mein aisa bola jata hai, like if you can solve approximately like 250 problems. Okay, 250 problems. So you are good enough to crack any companies. Like aap itna kar loge ke you can crack any companies. At least the low level in the sense mid-size startups. Okay, jo achhi hai, like Paytm and all everything. Okay, but thoda sa aur effort daloge achhe se, then you can go with like Amazon and like aur dusra koi bhi crack kar sakte ho aap. Gojek, Dunzo and everything. Okay, ab karna kahan se hai? ठीक है, तो ओके ये 250 प्रॉब्लम्स आप करोगे कैसे? ठीक है, इसका भी मैं बता देता हूँ. यू विल डू दिस 250 प्रॉब्लम्स बाय डेली प्रैक्टिसिंग इट एटलीस्ट टू प्रॉब्लम्स. ठीक है ना, एंड हियर वी आर, जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अली करीम सर विल अनाउंस दिस लेटर सम टाइम इन दिस सेशन, कि ये बैच का क्या इंटेंट है टू डू, व्हाट इज द इंटेंट फॉर दिस बैच. सो बेसिकली ये आपको इस लेवल का प्रिपरेशन करा देगा कि आप जॉब इंटरव्यूज में बैठोगे एंड यू विल श्योरली क्रैक द इंटरव्यूज. ओके, आपको मैंने बता दिया, एक JS हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट पूरा लिख देते हैं. JavaScript will be the programming language which we are using. Almost we will try to solve lots of problems. Okay, and okay, surely. And what we will use? Platform we will use, which is the most famous in the community, is LeetCode. ठीक है, हम LeetCode use करेंगे. अब मैं आपको बताता हूँ, LeetCode पे आ जाते हैं. ठीक है, we will come to LeetCode. ये रहा LeetCode. Okay, hope so you are able to see my screen still. Okay, this is the LeetCode. अगर किसी का अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज क्रिएट द अकाउंट. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म यू कैन एवर हैव. ओके, ये आपको हमेशा लगेगा फॉर योर टू इम्प्रूव योर करियर. ठीक है, अब आते हैं, आपको मैं एक जस्ट ऊपर से बता दूंगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं. सो ये देखिए, दिस इज सम, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है ना, अब ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमने सेलेक्ट करा है डिफिकल्टी लेवल. यहाँ पे ये डिफिकल्टी लेवल आता है LeetCode में. थोड़ा लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, नेटवर्क इश्यू के वजह से. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे है लाइक इजी, मीडियम, हार्ड. तो हम लोग ऐसे करने वाले हैं कि लाइक वी विल टेक एन इजी प्रॉब्लम. ठीक है, देन वी विल, यहाँ से आप एक स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो. दिस कैन बी अ स्टेटस ऑफ लाइक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है. एंड हियर इज द टैग ऑफ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा डिले चल रहा है. इसको क्या हो गया? ये जब तक लोड होता है हम लोग देखते हैं इसको क्या हो गया. ओके, हम लोग LeetCode से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिकली. ठीक है ना, और वी विल ट्राई कि आप लोग का 250 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट यू आर एबल टू सॉल्व इट. एंड बिकॉज LeetCode में रैंकिंग आती है, आप अपने जब लिंक्डइन का प्रोफाइल होता है तो लिंक्डइन के प्रोफाइल में वहाँ पे ये सारी रैंकिंग से भी जो रिक्रूटर्स होते हैं, हायरिंग रिक्रूटर्स होते हैं, वो लोग देख के जज कर लेते हैं, ओके ये बंदे को बहुत अच्छा आता है, ही इज गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. ओके, एंड उसके बाद आता है, देन यू कम्स अप विद योर नॉर्मल वेब डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, जो भी आप कर रहे हो. ठीक है, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल,
तो बट द फाउंडेशन इज ऑलवेज अ डेटा स्ट्रक्चर. ये आप लाइफ में कभी भी, लाइक वेदर यू आर 1 ईयर एक्सपीरियंस, यू आर फ्रेशर, यू आर 5 ईयर एक्सपीरियंस, यू आर 10 ईयर एक्सपीरियंस, यू आर 15 ईयर एक्सपीरियंस, ये लगता ही लगता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बिकॉज दिस इज द बेस वेर द कंपनी कैन जज योर थॉट प्रोसेस. ठीक है, कंपनी आपका एक थॉट प्रोसेस जज कर लेती है कि आप कैसा सोच सकते हो, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, और एंड दूसरा ये आपका थॉट्स कैसे, आप सोचते कैसे हो, देन हाउ क्विक यू कैन थिंक फॉर द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, एटलीस्ट फॉर द सोल्यूशन एंड द फॉलो अप सोल्यूशन. ठीक है, हमेशा क्या होता है, देर ऑलवेज बी अ क्वेश्चन. सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, मैं एक बहुत सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ इंटरव्यूज में होता कैसा है. सबसे पहले यू प्रिपेयर योर रिज्यूमे. ठीक है, हियर कम्स द इंटरव्यू इंटरव्यू प्रोसेस. ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस, यू प्रिपेयर फॉर रिज्यूमे. ठीक है, आप रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे, देन यू गो विद दी देन यू अप्लाई फॉर दी जॉब, अप्लाई फॉर दी जॉब्स, देन यू गो विद फॉर दी, आपको कंपनी अप्रोच करी, कंपनी विल अप्रोच यू. ठीक है, कंपनी आपको अप्रोच करती है. ओके, यहाँ पे कैसा होता है, अप्लाई फॉर दी जॉब्स आइदर यू कैन, लाइक आपका कॉलेज देगा, जो कि नहीं देता है मोस्टली, और आप ऑफ कैंपस जाओगे. ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं कि हम खुद से ढूंढना है. ठीक है, अप्लाई कहाँ करोगे, यू कैन अप्लाई दी जॉब्स इन लिंक्डइन में कर सकते हो, नौकरी में कर सकते हो, naukri.com, फिर यू monster.com. ठीक है, और यू कैन गो विथ हायरिस्ट है, ये 15-20 लिस्ट है, मैं तो बहुत सारी टाइप करते ही जा सकता हूँ. ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है ये. ओके, तो ये रहा, तो ये ऑप्शन तो समझो है ही नहीं अपने पास. ठीक है ना, और बचता है ऑफ कैंपस. ऑफ कैंपस में हम लोग ये सारे डोमेन वगैरह वेबसाइट यूज कर सकते हैं. अब कंपनी आपको जब अप्रोच करेगी, कंपनी कैसे अप्रोच करेगी. ठीक है, कंपनी विल अप्रोच बेस्ड आउट ऑफ योर प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल देखेगी. ओके, और ऑब्वियसली बात है, आपके जैसे लाखों बच्चे ने अप्लाई किया है सेम जॉब के लिए, तो हाउ यू विल स्टैंड आउट, आप कैसे स्टैंड आउट करोगे. ठीक है ना, एक जॉब के लिए हाउ यू विल स्टैंड आउट टू अप्रोच फॉर दिस जॉब्स. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है. ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की प्रैक्टिस करना है. ये दो चीज में ध्यान रखना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है. ये प्रोजेक्ट्स कैसा, सपोज अगर इफ यू आर टारगेटिंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बहुत सिंपल, HTML CSS JS का, HTML CSS JavaScript और या फिर रिएक्ट, जो भी है, वॉट एवर इट इज. ठीक है, उसका आपने प्रोजेक्ट्स बनाने, ज्यादा नहीं, 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बनाने. ठीक है, जो आप शोकेस कर सकते हो, और ये शोकेस होगा कोई वर्जन कंट्रोल में, लाइक यू कैन शोकेस इन गिटहब एंड ऐप, और उसका एक लिंक शो कर दोगे आप. दूसरा आता है डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा लीड कोड. ठीक है, लीड कोड में आपने जितना प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा वो सारा आपको शो करता है. बहुत सारे लोग, आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर न्यू. लीड कोड में आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उसका आपको ये सारी चीजें आप यू हैव टू शो इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, यू हैव टू शो इन योर रेज्यूमे. सो अब यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट फ्रॉम मैनी अदर कैंडिडेट्स देयर. ठीक है, ओके, देन ओके, लीड कोड आ चुका है. तो अब कैसा कर, क्या वॉट वी कैन डू. ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइक वॉट वी विल डू टूडे, वी विल स्टार्ट विथ एरे. ओके, अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, वी विल स्टार्ट विथ एरे. ओके, सो वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंड बोथ, वी विल अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट विद गो विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज कैसे जाएगा, जेएस में एरे कैसे होता है,
how we can create the array in JS, JavaScript, okay, and then we will solve two problems, okay. Aaj sirf do problem ko target karenge aur aapke, then we will take your questions, okay, your questions basically. That's it. तो अब आ जाते हैं लीड कोड में. लीड कोड में देखो यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है. 14 डेज स्टडी प्लान फॉर क्रैकिंग एल्गोरिथम्स है ना. ये कब होगा? ये जब होगा जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये तब आप कर सकते हो, ठीक है ना. तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इजी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टू डू सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपने टैग्स में एरे सेलेक्ट करने हैं. ये इतने सारे ऑप्शन है, लाइक स्ट्रिंग, हैश टेबल, डायनेमिक प्रॉब्लम, सॉर्टिंग, सर्चिंग, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है ये, ठीक है. अरे इतना स्लो क्यों चल रहा है ये. ओके, तो ये आ गया आपकी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट, ठीक है. तो अब इसमें से हम एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे. अब होता क्या है, जब भी आप जैसे ये मैं एक प्रोफाइल दिखा देता हूँ, वलाड, ये एक वन ऑफ द कोर मेंबर ऑफ लीड कोड रह चुके हैं. ही इज द कोर मेंबर ऑफ लीड कोड. ओके, सी दिस, दिस गाय, ही इज वर्किंग इन गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टेइंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड हाउ मेनी कॉन्टेस्ट रेटिंग, कॉन्टेस्ट रेटिंग कितना है? 2195. और ये जो ग्रीन डॉट्स देखते हो, इसको हम लोग उसको बोलते हैं, यार भूल गया, हॉटस्पॉट बोलते शायद, नहीं याद नहीं आ रहा है. ओके, सो बेसिकली डेली जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना. और आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये बंदे ने तो खैर 100% कर दिया है. लाइक इजी प्रॉब्लम 603 सॉल्व किए है, मीडियम प्रॉब्लम इतने किए, हार्ड प्रॉब्लम्स इतने किए, रेपुटेशन कितना है, यहाँ पे रेपुटेशन है, ठीक है ना. फिर सॉल्यूशंस कितने बार किया है और कितनी लैंग्वेजेस में किया है, C++ में इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, जावा में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये बहुत सारी लिस्ट है. लाइक ही हैज डन इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, फिर कितने प्रॉब्लम्स अलग अलग किए, लाइक एवरीथिंग, ठीक है. और एक प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं, और एक प्रोफाइल कौन सा है, ठीक है, अभी टाइम नहीं, जाने दो, ठीक है. तो ये जो आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में आपकी प्रोफाइल होगी, वैसे ही यहाँ पे ऐसी कोई प्रोफाइल होती है, ठीक है. तो ये प्रोफाइल भी आप अपने लिंक्डइन और लिंक्डइन में डाल सकते हो, एंड यू कैन पुट ऑन लाइक गिटहब एंड रिज्यूमे एंड एवरीवेयर, ठीक है. तो ये रिक्रूटर्स को आइडेंटिफाई करा देता है कि भाई ये बंदे ने कुछ एफर्ट किया है. चूंकि यू आर करंटली अ स्टूडेंट, सो यू शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स, ठीक है ना. ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जो NITs है, IITs है, आज की डेट में वहां के स्टूडेंट ये चीज पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग ए ह्यूज पे, ठीक है. दे आर अर्निंग इन क्रोर्स, ठीक है, लैक्स ऑफ पर मंथ की सैलरी है उनकी, 2 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है, बहुत नॉर्मल बात है. 2 लाख पर मंथ की जॉब मिलना, 1 लाख पर मंथ की जॉब मिलना, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयर दिस मैनी, इतना आप प्रिपेयर कर लेते हो. ओके ओके, तो बहुत सारा ज्ञान हो चुका है, बेस बन चुका है आपका. होप कि आपको पता होगा क्यों करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. मैंने सब कुछ बता दिया हूँ. क्यों करना चाहिए तो वो यहाँ पे बता दिया, टमाटर आलू बेचे हमने यहाँ पे. कितना करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया, 250 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट. कैसे करना चाहिए, कम से कम डेली 2 प्रॉब्लम्स, और 1 प्रॉब्लम भी ले लो, एक साल में आपके इतने हो जाएंगे, 365 डेज कैलकुलेट कर लो, लाइक यू कैन डू इन वन ईयर, ठीक है ना. आप अगर 1 ईयर में हो तो इतना हो जाएगा, फिर आप अगर 2 साल में कर रहे हो तो इतना हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं. एक प्रॉब्लम कितना करना है, 2 घंटा, दो 2 आवर एटलीस्ट, ठीक है ना. ये जितना सब बोल रहा हूँ मैं, सब लिस्ट है उसके, बाकी सब आपकी कैपेसिटी पे. लाइक इफ यू हैव अ वेरी, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग्स, देन यू कैन इन्वेस्ट 4 आवर्स, यू कैन डू 1200 प्रॉब्लम्स, ठीक है, वॉट एवर यू कैन. कैसे स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे एज अ लैंग्वेज, फिर वो शो, ये सारी चीजें आपने कर दी. अब नाउ यू वॉन्ट टू सेल योर सेल्फ, बिकॉज लाइक वॉट वी आर डूइंग, जॉब है क्या, जॉब इज लाइक यू आर सेलिंग योर सेल्फ, राइट.
you're selling, you're telling the company, okay, I am the best candidate, select me, I want the job, okay, pay me this much. Why? A company puchegi why? Like, this is the reason, like, I have done this many problems in data structure, I have a very good hold on data structure, and my web development is very good. ठीक है, ओके. बहुत सारे क्वेश्चंस को ये भी कैंडिडेट्स को ये भी क्वेश्चन आता है, सर अपना इंग्लिश अच्छा नहीं है एंड एवरीथिंग एंड ऑल, वो सब हैंडल हो जाता है. ठीक है, डोंट वरी ऑन दिस, जस्ट फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स एटलीस्ट फॉर नाउ. ठीक है ना, सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा बाद में ध्यान दोगे तो भी चलेगा, वो हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स, जैसे जैसे करोगे आ जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एरे. सबसे पहले हम देखते हैं एरे का प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम एक्चुअली, व्हाट इज एन एरे. एरे क्या है? ओके, ऑब्वियसली एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर. अभी इतना सारा ज्ञान दिया मैंने, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? और तेरी एज नहीं पता डेटा स्ट्रक्चर क्या है. डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा. ठीक है, डेटा को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज योर डेटा, बस इतना याद रखो, उससे ज्यादा याद मत रखो. ठीक है, कोई डेफिनेशन खाली है ना, वो एग्जाम में पूछते हैं, उससे ज्यादा कहीं नहीं पूछते. ठीक है, ऑर्गेनाइज योर डेटा. ओके, अब इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपका कबर्ड हो गया. ठीक है, बहुत लेमैन एग्जांपल से समझा रहा हूँ. ठीक है, कबर्ड, कबर्ड में आप अपने कपड़े रखते हो, लाइक यू कीप योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. फिर किचन में मम्मी स्टफ्स रखती है, लाइक देयर आर मल्टीपल डब्बाज. ठीक है, किचन में जो डब्बेज होते हैं, कभी जाके किचन में देखना आपने अगर गए हो तो, कि कहाँ होता है, लाइक पानी, देयर इज अ वाटर वेयर रखा होता है, एंड देयर इज अ स्टोर वेयर. कभी ऐसा हुआ है, लाइक राइस का कंटेनर एक है, ठीक है ना, राइस का एक कंटेनर है, फिर उसके बाद में वाटर का एक कंटेनर है. ठीक है, वाटर का कंटेनर में वाटर है, राइस के कंटेनर में राइस है. लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि नहीं भाई, आज मेरा मूड है, राइस वाटर के कंटेनर में राइस डाल दूंगा, राइस के कंटेनर में वाटर डाल दूंगा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं होता है. दिस इज नॉट द वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा. ठीक है, अब उसके तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे. एक तरीका है एरे, जो हर लैंग्वेजेस में होता है. बेसिकली दिस इज द फंडामेंटल, इसके बिना मतलब आप कोडिंग कर ही नहीं सकते हो. ठीक है ना, एरे इज द मोस्ट फंडामेंटल स्टफ. अब आते हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मैंने जो द डेटा विच आई हैव ऑर्गेनाइज्ड, ओके, इज गुड, इज वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा. हाउ आई कैन आइडेंटिफाई इट? ओके, लाइक सपोज लाइक यू आर, आपके कबर्ड में कपड़े रखे हुए, राइट, कबर्ड में कपड़े रखे हुए, तो आपके मम्मी जो तरीके से कपड़े रखते हैं एंड द वे यू कीप द क्लोथ्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, द वे यू कीप द क्लोथ्स, ऑब्वियसली मम्मी जो कपड़े रखते हैं दैट इज वेरी इफिशियंट, लाइक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, एवरीथिंग इज ऑन द, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं. एंड द वे यू कीप द क्लोथ्स, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे थोड़े बहुत वैसे ही लोग होंगे. ठीक है, बहुत अलग होता है, लाइक एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड दैट, लाइक अलग होता है. ठीक है ना, थोड़ा मैसी होता है, लाइक अ बिट मैसी. ठीक है, अ बिट मैसी होता है, यू डोंट केयर अबाउट द थिंग्स लाइक दैट. तो यू मतलब भाई मैं भी आता हूँ उसमें, दिल पे मत लेना कोई बात को, जस्ट ये अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे क्यों समझा रहा हूँ, ऐसे सब एग्जाम्पल है ना, हमेशा दिमाग में रहते. दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, लाइक दिस टमाटर और जो कांदा बेचने निकले थे, आलू ले लो, कांदा ले लो, दिस ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ, लाइक ये एग्जांपल्स याद रहेगा आपको, कभी नहीं भूलते हो. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो एरे क्या है? एरे इज लाइक जनरली होता ये है, अगर इफ यू हैव केप्ट योर डेटा इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, कंटीन्यूअस, ओके, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में अगर आपने अपना डेटा स्टोर किया है, ठीक है, आपने डेटा स्टोर किया है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, दिस इज एन एरे. मतलब ये इसके अंदर जो जाएगा वो एक काइंड ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, अब
जस्ट ये चीज याद रखो, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मैं आपको बहुत सारा वो एकेडमिक वाला बड़ा बड़ा डेफिनेशन देके पकाना नहीं चाहता हूँ। यू कैन रेफर दैट, मुझे उम्मीद है कि आपने रट चुका होगा और एग्जाम पे लिख चुके होंगे और अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। ओके अब आते हैं तो अब जावास्क्रिप्ट में अरे कैसे करते हैं, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं जावा का एग्जाम्पल लू तो जावा में थोड़ा सा फर्क है और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ यू शुड नो इट। ओके जावास्क्रिप्ट का ऐसा है, ओके एक पहले तो एक लेमैन लैंग्वेज में ले लेते हैं। अरे क्या होता है, सपोज आपकी एक शॉपिंग लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट है, ठीक है, लाइक यू वांट टू बाय एन एग, उसके बाद में यू वांट टू बाय बटर, यू वांट टू बाय मिल्क, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। दिस इज एन एरे, दिस इज एन एरे ऑफ योर शॉपिंग लिस्ट, ये शॉपिंग लिस्ट का एरे है, ठीक है। अब उसके अलावा जैसे भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे चेस बोर्ड हो गया, ठीक है, चेस बोर्ड क्या है, चेस बोर्ड अगर कभी आपने देखा होगा तो दैट इज समथिंग विच इज अ सेट ऑफ लाइक नॉट अ सेट लाइक अ कलेक्शन ऑफ पीसेस विच इज आर वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है ना, उसको हम लोग प्ले करते हैं। तो अब आते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, पहले जावास्क्रिप्ट का लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज लाइक दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर which consists of consisting of collection of elements, collection of elements, वही जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है। अब collection of elements and ये क्या है, जावा के केस में क्या होता है, जावा के केस में एक फर्क है जो डेफिनेशन आप लोग ने पढ़े हैं, लाइक नॉट जावा एक्चुअली, इन जनरल, मोस्टली इन जनरल, ठीक है ना, in general is like data structure consisting of collection of homogeneous element, homogeneous element, ये फर्क है बस, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाता है python, python भी कुछ ऐसा ही है, I hope so। homogeneous क्या होता है, मतलब what is the homogeneous, homogeneous is nothing but similar, उसको अगर मैं और आसान शब्दों में बोलूँ तो similar, सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या, अगर इफ माय डेटा इज ऑफ टाइप, मेरा डेटा का टाइप अगर वाइट चेस बोर्ड का पीस है तो वो वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो एक ट्रेन है, क्लासरूम है, लाइक ठीक है ना, क्लासरूम में कौन से स्टूडेंट बैठे, द स्टूडेंट विच आर सिटिंग इन द क्लासरूम आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो ये एक होमोजीनियस हो गया, हमने आइडेंटिफाई किया, और ओनली बॉयज, ठीक है ना, और ओनली गर्ल्स, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम, दिस इज व्हाट दिस होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर इज, बट जावास्क्रिप्ट ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के क्या कर दिया, उसने बोला भाई मेरे को सब चले गए, ठीक है ना, मुझे आने दो, हम लोग लाइक को एजुकेशन के बच्चे हैं, लाइक कोएड होता है ना, लाइक एवरीवन, लाइक बॉयज आर ऑल्सो देयर एंड गर्ल्स आर ऑल्सो देयर, सब है, सब बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर देयर। सो एरेज इन जावास्क्रिप्ट कैसे होते, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में एरे बनाते कैसे, हाउ टू क्रिएट एरेज इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आगे दूंगा, ठीक है, हाउ टू क्रिएट, सिंपल, किसी भी चीज का अगर कुछ हम बना रहे हैं तो वो चीज का एक नाम होता है, एक नामकरण करते हैं हम, ठीक है, तो वो नामकरण करेंगे, सपोज करो लाइक
मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, नेम दे दिया, ठीक है, और लेट इट बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे ये एरे, स्क्वायर ब्रैकेट अगर आता है दैट मींस दिस इज एन एरे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इज योर एरे, दिस बस उसके आगे एक कीवर्ड लगाना होता है, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है, या तो लेट हो सकता है, कॉन्स्ट हो सकता है और वायर हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कब कौन सा यूज होगा, लाइक व्हेन, व्हाट वी विल यूज, वी विल, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। वी दिस कोर्स इज प्योरली अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, जैसे जैसे जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे वो सारी चीजें यू विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क लेटर, ओके। लेट हम इस केस में लेट यूज कर रहे हैं, वाई बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है ना। लेट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आपका, और हमेशा ये इसको बोलते हैं वेरिएबल, ओके, दिस इज कॉल्ड एज दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेरिएबल हियर, ओके, एंड दिस सब्जेक्ट इज राइट नाउ शुड बी, दिस शुड बी इन स्मॉल केस, ठीक है, स्मॉल केस बोले तो लाइक पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल केस मतलब पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, और अपर केस इज लाइक दिस वन, लाइक एवरीथिंग इज इन कैपिटल, ठीक है, और ओके, एरे को क्रिएट करने का ये एक तरीका है, ठीक है, और बहुत तरीके, बहुत सारे तरीके, ठीक है, लाइक वी कैन क्रिएट एरेज इन मेनी टाइप, लाइक एक और एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोज लेट ए इज इक्वल टू न्यू एरे, न्यू एरे, ये भी एक तरीका है, ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्टर टाइप बोलते हैं, लेकिन हम बाद में सीखेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं खुद बता दूंगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं। अब इस एरे में हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट स्टोर करने वाले, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एम्प्टी एरे, ठीक है, ये तो एरे क्रिएट हो गया, लेकिन ये क्या है, अभी एम्प्टी एरे है। अब सपोज करो लेट मैं एक एरे बनाता हूँ प्राइम, प्राइम नंबर का, ठीक है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का एरे में हमने क्या डाला, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, ठीक है, दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स ऑफ द एरे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, सपोज करो इस बार एरे का एक मिसलिनियस एरे बन जा रहा है, मिसलिनियस एरे मतलब क्या, यहाँ पे एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, उसके अंदर वी विल कीप नंबर, वन आ गया, टू आ गया, ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है ना, और एक स्ट्रिंग आ गया, लाइक स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में अगर कोई बुली फ्लोट वैल्यू लाइक 1.1 है, 1.2 है। अब समझ रहे हो आप, लाइक यहाँ पे डेफिनेशन का डिफरेंस क्यों ऐसा था, द डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन क्यों था, लाइक दिस वाज होमोजेनियस एंड दिस वाज वेयर वाज डिफरेंट वन, या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट क्यों बोला है, क्योंकि यू कैन स्टोर एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, ओके, यू कैन स्टोर इंटीजर, बुलियन वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, यू कैन ऑल्सो स्टोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये कर्ली ब्रेसेस में जो आएगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, मैं बता दूंगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब उसके अलावा क्या था, लाइक इसके अंदर और भी चीजें, लाइक फंक्शंस भी आ सकता है, यू कैन स्टोर द फंक्शन एज वेल, तो दिस इज द वे बेसिकली, ठीक है। मैंने दो तरीके बताया, सबसे पहले एरे को ऐसे क्रिएट करते हैं, उसमें तीन आइटम्स है, पहला आइटम है एक कीवर्ड आता है जो है कि स्पेसिफायर, लाइक लेट होगा, कॉन्स्ट होगा, वेयर होगा। लेट कब यूज करते हैं, अभी के लिए लेट यूज कर लो, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे क्या यूज करना है। फिर उसके बाद में उसका वेरिएबल रखेंगे जो नेम होगा, उसके बाद में ये दिस ओपनिंग पैरेंट, सॉरी स्क्वायर ब्रेसेस हो गए, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रेसेस, उसके अंदर आपने डेटा डाल दिया ये वाला,
तो मतलब आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो ये हो गया सिंगल एलिमेंट्स। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है क्या, यू कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ डेटा, लाइक एनी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, ट्रू फॉल्स वॉट एवर यू कैन स्टोर। ओके, अब आते हैं लाइक अभी नाउ वी विल सी ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे रीडिंग, उसके बाद में देखेंगे राइटिंग, उसके बाद में देखेंगे आइट्रेटिंग, ठीक है। कोई भी चीज को अगर आप वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टडी स्टडी इन दिस वे, तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। और तो आप रीड कैसे करना है सबसे पहले वो देखते हैं। सपोज किसी इसको बेसिकली कंसीडर दिस एज अ क्रूड ऑपरेशन, कंसीडर नॉट, इट इज एक्चुअली अ क्रूड ऑपरेशन। सॉरी मेरा थोड़ा सिस्टम लैग हो रहा है। क्रूड ऑपरेशन, व्हाट इज क्रूड, क्रूड स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग रीडिंग अपडेटिंग डिलीटिंग, ठीक है। ये क्रूड का मतलब होता है कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप सीखो आज फ्यूचर में कभी कभी भी आप अपनी जिंदगी में, तो वो ये प्रोसेस से ही होता है। दिस इज द प्रोसेस बेसिकली, ठीक है ना। एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लाइक लिंक्ड लिस्ट है, एंड देन स्टैक इज देयर, क्यू इज देयर, व्हाटएवर यू कैन नेम इट जस्ट। तो ये क्रूड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो लेट्स कम विथ, सबसे पहला ऑपरेशन करते हैं क्रिएटिंग। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्रिएशन इस तरीके से होता है, ठीक है, क्रिएशन इस तरीके से होता है। दूसरा तरीका भी मैंने बताया आपको, लेट सपोज करो ए इक्वल्स टू न्यू एरे, कंस्ट्रक्टर वे है, ठीक है। क्रिएशन के बहुत सारे तरीके हैं, वी विल लर्न एज वी गो, ठीक है। Then comes up with the reading. Reading कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आते हैं, example लेता हूँ। Now अभी हम एक example ले गए। Okay. So let एक variable लेते हैं, a is equal to, हमने डाला यहाँ पे array बनाया world, ठीक है ना। दिस इज स्ट्रिंग है, इनसाइड दिस देर इज अ स्ट्रिंग, इनसाइड दिस एरे देर इज अ स्ट्रिंग, ओके। अब सपोज यू वॉन्ट टू एक्सेस द वैल्यू, तो आप एक्सेस कर सकते हो उसकी वैल्यू लाइक रीड करके, ओके। देन अगेन हम लोग को अगर सपोज यू वॉन्ट टू राइट a value, let value is equals to a of zero, क्योंकि obviously यहाँ पे अभी एक ही element है, तो a of zero will be your whatever the value is. Suppose अभी यहाँ पे मैं element बढ़ा देता हूँ, element मैंने बढ़ा दिया hello, फिर और एक element लिख लिया one, फिर और एक element लिख लिया true, फिर और एक element लिख दिया 2.3. अब जस्ट दे सी के हाउ स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको जाना है एवरी सिंगल स्टेप में, वी कैन नॉट रश एंड सी द थिंग्स। अब आते हैं इसमें लेट वैल्यू। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा इस वैल्यू को, अच्छा व्हाट इज दिस कंसोल डॉट लॉग, दिस कंसोल डॉट लॉग विल प्रिंट द डेटा इनसाइड दी कंसोल। कंसोल क्या होता है, एक आउटपुट स्क्रीन होती है बेसिकली। चलो यहाँ पे आ जाते कंपाइलर में, ये ऑनलाइन कंपाइलर है बेसिकली, यू कैन चूज इट वॉट एवर यू वॉन्ट। ये ऑनलाइन कंपाइलर है programis.com, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज, ओके होप सो ये दिख रहा है, ओके। जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट की सारी फाइल्स .js लास्ट में एक्सटेंशन होता है। अब इसको हम रन कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट है।
ये वेलकम डॉट प्रोग्राम इज, यहाँ पे आउटपुट आ गया, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, अब आते हैं हमने जो क्वेश्चन वहाँ प्रॉब्लम वहाँ पे लिखा था। सिस्टम बहुत ज्यादा लैग हो रहा है गाइस, सॉरी थोड़ा सा। क्या हो गया है? ओके या तो ये रहा हमारा लेट। ओके, वॉट एवर जावास्क्रिप्ट के जो भी कीवर्ड्स है वो सारे पर्पल में आते हैं यहाँ पे, सॉरी ब्लू में आते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग इज नथिंग बट अ वे टू राइट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये इस तरीके से आप अपना एरे क्रिएट करोगे, और अभी एरे को रीड करना है मुझे पहली वैल्यू को, एरे डॉट जीरो, मतलब ओके एरे का इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होगा। इट इज, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ये हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू को देखते क्या प्रिंट होता है, कुछ प्रिंट होता भी है कि नहीं, जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देते हैं हम, ओके तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। ठीक है ना, अब अगर मैं वर्ल्ड टाइप करूं, ये हो गया स्ट्रिंग वैल्यू और ये हो गया हेलो वैल्यू जो हमने पहले डाला था, जो कि चला नहीं था बिकॉज ऑफ दी डबल कोट्स, ये डबल कोट सही नहीं थे उसमें क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए। ओके, अब अगर मैं जीरोथ इंडेक्स वाला डेटा उठाना चाहता हूँ तो वो क्या प्रिंट होगा, वर्ल्ड प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आ गया वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर मुझे मान लो मुझे प्रिंट करना है थर्ड इंडेक्स का डेटा, तो कौन सा डेटा प्रिंट होगा, ये जीरो है, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, तो 2 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आ गया तो 2। ओके, इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, अभी एरे को आइट्रेट कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग ने दो चीज देखा, राइटिंग देख चुके, रीडिंग देख चुके, वी हैव सीन दिस क्रिएटिंग, मतलब राइटिंग ऑब्वियसली, रीडिंग अभी देखे डेटा को कैसे रीड कर रहे हैं, अभी अपडेटिंग बाद में देखेंगे, डिलीटिंग भी बाद में देखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैवर्स, ट्रैवर्स करना, बेसिकली ट्रैवल करना, आसान शब्दों में ट्रैवल करना। ठीक है ना, तो अब हम लोग इस वैल्यू को ट्रैवल कैसे करेंगे, लाइक हाउ वी कैन प्रिंट ऑल दिस वैल्यू इन दिस कंसोल आउटपुट स्क्रीन बेसिकली। ठीक है, तो सबसे आसान फंडा है फॉर लूप, जो आप लोग ने बचपन में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लेट, आई जीरो से स्टार्ट होगा बिकॉज इंडेक्स जीरो है हमारा। ठीक है, और उसके बाद में आई की वैल्यू जाएगी कहाँ तक, एरे के लेंथ तक, हमारा एरे का नाम क्या है, ए नाम है, इसको नाम दे देते हैं ARR, थोड़ा सा हमेशा यूज करते हैं। एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ क्या है, अब ये बताओ मुझे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब एरे की लेंथ कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेंथ है। ठीक है, और आई प्लस प्लस, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये कंसोल की वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे, ये कंसोल को कॉपी किया और ये वैल्यू को नहीं प्रिंट करेंगे, ARR आए करेक्ट है, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब वैल्यू सारी एक एक करके प्रिंट हो जाएगी, इसको क्या हो गया, ओके सॉरी माय बैड, वो ए डिफाइंड नहीं था ऐसा बता रहा है। ये देखो, सबसे पहले आया वर्ल्ड, फिर हेलो, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर ट्रू, फिर 2.3, और लूप टर्मिनेट हो गया। अब लूप वूप नहीं, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लाइक आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको पता है लूप। ठीक है,
अब इसको लिखने के और भी तरीके हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किए, इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब एरे को प्रिंट करते हैं। अभी कैसे प्रिंट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम। अच्छा ये सब क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज दिस विल बी यूज इन योर लीट कोड प्रॉब्लम। मैं जो भी प्रॉब्लम यूज करेंगे वो सारा इसमें आएगा, मतलब समवेयर ये सारे चीजें यूज हो गए। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है अभी हमको। रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे प्रिंट होना चाहिए कंसोल में, ठीक है ना। तो हम लोग देंगे आई, आई एक वेरिएबल का नाम है और लेट उसका स्पेसिफायर है, लाइक इट इज द स्पेसिफायर बेसिकली। और एरे डॉट लेंथ रिवर्स में आ रहा है, तो हम लोग पहले पीछे का आइटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीछे के आइटम से स्टार्ट किए और कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक वेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई की वैल्यू को हर बार माइनस कर देंगे। बहुत आसान है, सेम चीज किए बस पूरा रिवर्स कर दिया हमने। पहले क्या किए थे, 0 से स्टार्ट किए थे, लेकिन इस बार एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किए, हर बार लेंथ तक इसको लूप को टर्मिनेट किए और हर बार वैल्यू को प्लस कर दिए, लेकिन इस बार 0 तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे और वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। अब सेम कंसोल डॉट लॉग इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे मैं एक और कंसोल लिख देता हूँ। दिस कंसोल इज एरे इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑर्डर और इन रिवर्स ऑर्डर, बस जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता चले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ गया हमारा, ये आया वेलकम प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एरे इन प्रॉपर ऑर्डर 1 से लेके 6 तक चला, फिर एरे इन रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे 6 से लेके 1 तक चला। ये अनडिफाइंड आया है, उसको अभी के लिए इग्नोर करो, मैं बता दूंगा क्यों आया है, ठीक है। चलो वो डाल देता हूँ, -1 तक स्टार्ट करना चाहिए। चलो अब देखो ये आ गया, ओके। बिकॉज एरे की लेंथ क्या थी, एरे की लेंथ क्या है, अगर आप गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो एरे की लेंथ 6 है। लेकिन चूंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा, तो वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो -1 लिखे, इसीलिए -1 डाला है, ओके। और कोई रीजन नहीं है -1 डालने का। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक और बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज करो लेट एक वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वो वैल्यू है, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, एडवांस ठीक है, फिर भी डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। वैल्यू है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करो आपका एक जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग ने इस वैल्यू डॉट फॉर ईच लूप लगाते हैं। मैं फॉर के अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, लेटर। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो ये जो वैल्यू है आपकी, उसको हम लोग अपर केस में करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका लेटर डॉट टू अपर केस, अपर केस, या ये जो वेरिएबल है वो ये है, ठीक है। ये खाली एक वेरिएबल डिफाइन किया है हमने, और एक ये एरो फंक्शन रहता है बेसिकली, मतलब यहाँ पे फॉर ईच में, फॉर ईच भी एक तरीके का फॉर लूप ही है, और ये वैल्यू फॉर लूप यहाँ पे हमने लगाया है। सॉरी,
आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ का वैल्यू अब हम लोग कंसोल में प्रिंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो ऑब्वियसली बात है प्रिंट नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ओके, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, लेटर्स इक्वल्स टू डेटा स्ट्रक्चर, ये देखो। अब यहाँ पे हमने एक लेटर लिया जो कि डेटा स्ट्रक्चर था स्मॉल लेटर में, और एक वैल्यू लिए जिसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी ये जो ये वैल्यू फाइनल वैल्यू जो स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये यही तो प्रिंट हो रहा है, यही प्रिंट हो रहा है, राइट। तो लेटर्स एवरी वैल्यू ले रहे हैं डेटा की, उसको इसमें डाल रहे हैं, एवरी सिंगल वैल्यू इज कमिंग हियर लेटर और दैट लेटर्स, लाइक सबसे पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी यहाँ पे आया, उसकी वैल्यू अपर केस में हुई और उसके बाद में यहाँ पे अपेंड हो गया, ये चूंकि ये ब्लैंक है, पहला ब्लैंक है, तो उसके बाद में डी आया, देन सेकेंड वैल्यू आई, सेकेंड वैल्यू लाइक ए आया, देन टी आया, एंड एवरी सिंगल वैल्यू गेट्स प्रिंटेड। ओके, बेसिकली मुझे यहाँ आपको दिखाना था कि फॉर ईच का ये भी एक फॉर्मेट है जो मोस्टली कोडिंग में हम लोग यूज करते, लाइक जनरली यही यूज करते, एंड वो पहले वाला जो था। ओके, 10:15 हो चुका है, होप सो आपको समझा होगा, क्रिएशन समझ गया होगा और अपडेशन रीडिंग समझ गया होगा और ट्रैवर्सिंग समझ गया होगा। अभी अगर नहीं समझा है अच्छे से तो दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन, जब हम लोग और भी सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो वी कैन श्योरली मास्टर दिस थिंग, ठीक है, सो डोंट वरी ऑन दैट स्टफ। ओके, तो अली करीम सर, यस, हाँ, तो क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन आंसर सेशन या फिर और एक कोई प्रॉब्लम करा दे? नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन ले लो, यूजुअली 10:30 तक ही हम लोग रखते हैं, ओके, ठीक है, चलेगा। या प्लीज इफ एनीवन इज हैविंग, टुडे खाली एक वार्म अप टाइप का सेशन था, ओके, नेक्स्ट टाइम से वी विल बी टारगेटिंग फॉर एरेज वगैरह, जैसे मैंने अभी बताया, तो हम लोग का टारगेट रहेगा कि एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग करें, लीड कोड में से ही करेंगे, दो तीन क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। Okay, any students having any doubt, problem, question, please ask. आज का question general हो सकता है, सर company में job कैसे मिलेगी, सर हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे type के। इसके बाद वाले session में you will be not allowed to ask any of this question. सिर्फ और सिर्फ topic के related होगा, that is अगर array पढ़ा रहे तो array, linked list पढ़ा रहे तो linked list. So please you are having a lot. We are planning for Super 30 batch, जहाँ पे हम इस interview preparation के अंदर भी कुछ batches of students होंगे, और वो students हैं, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि उन 30 students को job लगे, तो ऐसे students हमको लेना है इस batch के अंदर जो serious हैं अपने career के लिए और अपना time दे सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम निकाल कर आपको पढ़ाना, अगेन वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग ऑन यू, तो आपका भी वक्त निकालें और आप सीरियसली इसको अगर लेते हैं, सो दैट हमारा फोकस ये रहेगा कि हमारे जो बैच में जो सुपर 30 का बैच हम बनाएंगे उसमें सभी बच्चों को जॉब लगे। तो ऐसा नहीं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको जॉब दिलाएंगे, मगर उनको इस तरीके से ट्रेन करना है कि यू पीपल आर गेटिंग जॉब बाय योरसेल्फ, उसके लिए गाइड हम करेंगे, उसमें आप सीरियस रहना चाहिए ऑब्वियसली, और जिस तरीके से ट्रेन करेंगे तो एक लिमिटेड टाइम होगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक काम होगा, और उसमें ऑब्वियसली जब जॉब ओरिएंटेड चीज़ कर रहे हैं तो पढ़ना भी रहेगा,
जैसे मैं वेब डेवलपमेंट आपको कराता हूँ तो मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं देता हूँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को, या जितना वो 1.5 घंटे में हम प्रैक्टिस प्रैक्टिकली करते हैं उतना ही टास्क रहता है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता। मगर इस Super 30 में हमारा फोकस ये रहेगा कि वी विल बी टारगेटिंग दो स्टूडेंट हु वॉन्ट टू गेट द जॉब। ठीक है, तो आपको हो सकता है हमारा जो बैच चले वो 6 मंथ चले DSA का, मगर DSA के 6 मंथ के बाद लगे जॉब, 1 साल भी लगता है कुछ लोगों को लगने के लिए, 6 मंथ की जगह 1 ईयर लग जाएगा। मगर अगेन फोकस तो हमारा ऐसा ही है कि Super 30 में हमारे पास वो 30 स्टूडेंट्स सिंसियर आए जो जिनको हम ट्रेन करें, और ऐसे ना हो के कैदलेस है अभी आज आ रहे कल आ रहे, सर मैं रिकॉर्डिंग से सुन लूंगा। रिकॉर्डिंग से जेन्युइनली रहता है तब सही रहता है, मगर जो लाइव में आप एक बार अटेंड करके सुनते हो, अटेंड करते हो, वो ही एक सीरियसनेस क्रिएट करता है। वो फिर वो आप बोलेंगे हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग प्रोकास्टिनेशन में जाता है, और वो चीज़ तो हम हमारे रेगुलर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स के लिए भी कर ही रहे, जिसकी वजह से केटी लग जाती है, राइट। तो इस ये एटीट्यूड को ना रखे इसके अंदर, क्योंकि फोकस है ऑब्वियसली हमारा मकसद ये, आपका भी एम्बिशन होना है कि आपको जॉब लगे, हमारा मकसद है कि आपको जॉब लगे, और ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स अगर आपके लिए वक्त निकाल के आ रहे हैं तो आपको भी उसको लिए सीरियसली लेना है। एनी लाइट ऑन दैट सिराज सर? मोस्टली यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स हैं, लाइक जस्ट टू गेट द कॉन्टेक्स्ट, लाइक डिप्लोमा डिग्री चैट पे डालो आप लोग कौन से ईयर में हैं, जैसे इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर डिग्री टाइप FY डिग्री, या फर्स्ट ईयर डिप्लोमा टाइप FY डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा वर्ड यूज करो, BSc है तो BSc भी टाइप करो, समर फ्रॉम BSc IT। ओके, थर्ड ईयर डिग्री और थर्ड ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट भी दिख रहे हैं इधर, थर्ड ईयर BSc IT मुकेश, डिग्री थर्ड ईयर डिग्री BSc IT मतलब फाइनल ईयर, फाइनल ईयर डिग्री निधि, ओके। सम आर स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड, एक्चुअली कुछ है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग वाले, मोस्टली लाइक आई कैन कोरिलेट टू यू गाइस के भाई मैंने इतना लाइक हाउ लाइक आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन वेरी लेमन लैंग्वेज, लाइक एक बच्चों को समझाते हैं वैसा। द रीजन यही है बिकॉज मुझे पता था देर आर, अरे बाप रे, MBA फर्स्ट ईयर MBA वाले भी है भाई यहाँ पे तो। ओके, सो EXTC, ओके, वेरी गुड। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, IT कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 मंथ का बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप रिग्रेसली 12-14 घंटे पढ़ रहे हो 3 से 4 महीने तो निकाल लोगे, कोई भी कंपनी निकाल लोगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल, ठीक है। अगर टिकटॉक में बहुत सारे फॉलोअर्स किसी के कैसे बनते हैं, यूट्यूब में फॉलोअर्स कैसे बनते हैं, आप वो बंदा कंटेंट क्रिएट करके देता है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम में फॉलोअर कैसे बनते हैं, कंटेंट क्रिएट करके देता है, मतलब वो एक अच्छा कंटेंट डालता है तभी तो आप उसको फॉलो करते हो, वरना आप क्यों करोगे फॉलो किसी को, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, इफ यू हैव अ स्किल, बहुत अच्छा स्किल है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास स्किल तो है लेकिन वो शोकेस भी तो करना होगा, कंपनी को कैसे पता चलेगा, लाइक उसको सपना तो नहीं आएगा कि भाई ये बंदा कोई मुंबई में बैठा है एक कोने से बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे ये वाले रूम में, उसको थोड़ी सपना आने वाला है, या ये कॉलेज में। यू हैव टू शोकेस योर स्किल। तो वो शोकेस कैसे करोगे, लिंक्डइन में डालोगे, यू विल आप गिटहब में डालोगे, फिर वेबसाइट्स को लाइव करोगे और अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स को शोकेस करोगे। तो इस तरीके से कंपनीज गिटहब चेक करती है, पता है, लाइक देर आर लॉट्स ऑफ कंपनी जो, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मेरे केस में लाइक गूगल ने खुद अप्रोच किया था, लाइक गूगल के रिक्रूटर्स ने अप्रोच किया था मुझे जस्ट टू सी के लाइक इफ आई एम रेडी टू ज्वाइन, लाइक नॉट ज्वाइन एक्चुअली, गिव द इंटरव्यू। बट प्रॉब्लम ये था कि आई नो कि मुझे अभी थोड़ा और प्रैक्टिस लगेगा गूगल को क्रैक करने के लिए। तो अच्छा, उन लोगों को कैसे पता चला मेरे बारे में, देर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग, बट सामने से आना बहुत अलग चीज हो जाती है, ठीक है।
बिकॉज दे आर ट्रैकिंग योर डेटा फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम गिटहब, ये सब जगहों से, मैं दो तीन का ही नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे जगह है जहां से ट्रैक करते हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग ट्रैक कर रहे हैं आपके डेटा को, ठीक है ना, तो यू हैव टू डू दैट। और वो कैसे करोगे, जब आपके पास कंटेंट होगा, कंटेंट कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे गिटहब पे, आप अपना वो एक प्रोजेक्ट्स डालोगे, यू विल मेक द डेटा स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग, ज्यादा नहीं करना है। सपोज अभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे टीवाई वाले हैं, ठीक है ना, सो आई थिंक अगर इफ आई कंसिडर अ टीवाई गाइस, आपके पास एक साल है पूरा, अगर आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ दो प्रॉब्लम डेटा स्ट्रक्चर के डेली किए, ठीक है, साल में 365 डेज होते हैं, सपोज यू आर जस्ट वर्किंग फॉर 250 डेज, ठीक है, रिमेनिंग 125 डेज यू आर लाइक बिजी, वेरी बिजी, ठीक है, 115 डेज बेसिकली, तो पांच आपके पास लगभग, अगर दो प्रॉब्लम आप कर रहे हो तो 500 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, देयर विल बी अराउंड लाइक, कितना बताया मैंने, यू हैव वन ईयर गाइज, ठीक है, वन ईयर है आपके पास, उस वन ईयर में अगर आप 365 डेज है, जिसमें से आप सपोज करो ओनली वर्किंग फॉर 250 डेज, ठीक है, इसमें से आपने डेली से ओनली टू प्रॉब्लम किया, आपको कितना करना है, टू प्रॉब्लम्स ओनली, तो कितना हो जाएगा भाई, 500 बहुत होता है, बहुत होता है, पेटीएम में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में लग जाएगा आपका, तो अमेजोन में भी लग सकता है, अगर बहुत अच्छे से किया होगा तो आराम से लग जाएगा, अमेजोन क्या, सही बोले तो गूगल में भी लग जाएगा अगर अच्छे से किया होगा तो, क्योंकि इसके साथ और भी चीजें लगती है, ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट में आप एक अलग तरीके से खड़े हो गए, तो बहुत सिंपल सी चीज है, एक बंदा, बस एक बहुत छोटी स्टोरी बताता हूँ, एक बी का बंदा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे शायद बी वाले भी बंदे हैं, ठीक है, जिसको थोड़ा सा स्किल आता है, थोड़ा सा स्किल्स है, उस वो एक कंपनी में अप्लाई करता है, अप्लाई इन अ कंपनी, कंपनी में अप्लाई किया, उसको सैलरी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी है लाइक 30,000 पर मंथ, अभी थोड़ा अच्छा पे मिल रहा है पर मंथ। उसी तरीके से एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उस ये नॉर्मल कंपनी है, ठीक है ना, छोटा सा कंपनी है यार, स्मॉल कंपनी, ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, इसके पास बहुत स्किल है, ठीक है, इसने पूरे साल मेहनत किया, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब दसवीं में कुछ नहीं किया, ट्वेल्थ में कुछ नहीं किया, बहुत नॉर्मल सी कॉलेज में जॉब लग गई, सॉरी तो एडमिशन लग गया, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं किया, सेकेंड ईयर कुछ नहीं किया, थर्ड ईयर कुछ नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है ना, एक अच्छी स्किल्स है, सपोज अब वो स्किल्स कौन सी है, दोनों है, वेब भी है, वेब एंड डीएस, ठीक है, डीएस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एक्चुअली, वेब के चार पांच बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे बहुत हो जाएगा, डीएस के एटलीस्ट जो मैंने यहाँ बताया 250 उतना तो होना चाहिए, अच्छी कंपनी में लगे। अब ये बंदा कंपनी में अप्लाई करता है, ठीक है, ये बंदा कंपनी में अप्लाई करता है, अब अप्लाई करने के बाद में इसको बहुत सारे कंपनीज में से ऑफर्स आते हैं, इसको पता है कितनी की जॉब लगने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी, इसकी स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट मेरे अंदाजे से 60 पर मंथ होनी चाहिए, समझ रहा है, 60 पर मंथ, अब 30 के पर मंथ का मतलब कितना होता है पता है, साल का 3.6 लाख, और इसका कितना हो गया, अगर 60 है, 62, ठीक है, तो अब 66, सॉरी यार थोड़ा सा मैं स्वीप हो गया मेरा, ओके, सो बेसिकली अभी प्रॉब्लम, मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, ठीक है ना, प्रॉब्लम है क्या, तो अब आपको मान लो 7.2 लाख रुपीज आपका पर मंथ सैलरी है, तो आपने सिर्फ एक साल मेहनत नहीं किया तो कितना लॉस हो गया, देखो 3.6 लाख का लॉस है इस बंदे को, 3.6 लाख का लॉस है, ये तो खैर मैं बहुत नॉर्मल और लिमिटेड सिनेरियो बता रहा हूँ, बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं, जैसे हमारा एक दो स्टूडेंट है जो पर मंथ 1 लाख भी कमा रहा है,
1 लाख भी कमा रहा है पर मंथ। अच्छा जो मार्केट में जो चलता है ना, 5 लाख मिल जाएगा, 6 लाख मिल जाएगा, वो सब फालतू बात है, ठीक है वो सब छोड़ दो। नॉर्मल सोचो, फिलहाल नॉर्मल, पहले इतना अचीव कर लो, उसके बाद में और करेंगे। 60K पर मंथ, ठीक है। कितना लॉस हुआ? 3.6 लाख, मतलब पूरे आपके डिग्री का पूरा लॉस हो गया इधर पे, मतलब डिग्री में जितना पैसे भरे थे। अब ओके, ये लॉस यहाँ तक नहीं रहता है, सबसे मजे की बात बताऊं, ये लॉस यहाँ तक नहीं रहता है। अब आते हैं, आप दोस्त दोस्त आपका, आपने कंपनी में 1 साल निकाल लिया, फर्स्ट ईयर आपने कंपनी में निकाल लिया 3.6 लाख से। अब सेकेंड ईयर भी आपने कंपनी में निकाल दिया, ठीक है, कंपनी ने आपके काम से बहुत खुश होकर 5 लाख कर दिया, मान लो इतना इतना नहीं करती है कंपनी, ठीक है एग्जाम्पल। अब आपका जो आपने जॉब स्विच किया, अब जॉब स्विच किया तो जॉब स्विच होने के बाद में आपको अब कितना लग रहा है पता है? जॉब स्विच होने के बाद में मान लो आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, सैलरी की सब की फलाना धमाका की, ठीक है, आपने बहुत स्टडी कर लिया, बीच में आपको रियलाइज हो गया, ठीक है, एक अचानक से अंदर का इंसान जाग गया, रियलाइज हो गया, बहुत मेहनत किया आपने, बहुत मेहनत की है, तो ज्यादा से ज्यादा सैलरी डबल होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा, 10 लाख। अब इसकी स्टोरी सुनते हैं इस बंदे की। ये बंदे ने फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या किया? सबसे पहले तो 7.2 लाख। अब आ जाओ सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में बंदा यही है, यहीं पे है, ठीक है ना, इसने भी मान लो अच्छा खासा मेहनत किया, ठीक है, तो इसकी भी सैलरी 10 लाख हो गई, ठीक है। जबकि अगर परसेंटेज देखो तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं बताया, वो नॉर्मल ही रखा हूं मैंने दोनों के केस में। अब इसने भी जॉब स्विच किया, ठीक है, अब ये तो पहले से ही मेहनती था, तो ऑब्वियस ही बात है आगे तो और मेहनत करेगा ये। अब इसकी सैलरी कितनी हो गई? 20 लाख। फर्क देख रहे हो? ये भाई बैठा है 20 लाख पे, ये भाई बैठा है 10 लाख पे। जस्ट इमेजिन यू आर लूजिंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, और ये इफेक्ट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये कभी कम नहीं होएगा, अनलेस एंड अनटिल एक बहुत अच्छा जैकपॉट लग जाए। अब ये आगे जॉब स्विच करेगा, ये आगे मेहनत करेगा, इसकी सैलरी 15 लाख होगी, फिर उसके बाद में 20 होगी, फिर इस उसी तरीके से इसकी सैलरी 30 लाख होगी, फिर 40 होगी, मतलब गैप देख रहे हो? जस्ट अंडरस्टैंड द गैप, आई एम मैं आपको लोग को रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि ये गैप कितना बड़ा गैप है, मतलब भाई इतने 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 पैसे में तो कार आ जाती है एक मस्त वाली, आती है कि नहीं आती है? इतने पैसे में तो एक अच्छा सा घर, 1 BHK घर आ जाता है भाई, वो भी 1 साल में। अब आपका क्वेश्चन वेलकम है, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, बहुत सिंपल सी चीज बताया। ओके भाई, बी वाले डरो मत, ठीक है, वरना बी वाले टेंशन में आ जाएंगे, रात भर सोएंगे नहीं, तो बी वाले प्लीज डोंट गेट अफ्रेड। जो फाइनल ईयर वाले हैं या जिसका हो चुका है, अभी भी आपके पास मेहनत बहुत मौका है, गिव एटलीस्ट 4 आवर, मतलब जो बी वाले हैं, फाइनल ईयर वाले हैं या फिर जिसका बी हो चुका है, ये उनके लिए, ठीक है। और सैटरडे संडे तो पूरा मेहनत करो भाई, पूरा पूरा बहुत, सैटरडे संडे पूरी मेहनत करनी है आपको, पूरा लगा दो, ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीना लगेगा, 3 to 4 months बस, उसके बाद में आप एक बहुत अच्छी कंपनी में जा सकते हो। लाइक मान लो आपने पेटीएम जैसी कंपनी में चले गए या हॉटस्टार में चले गए, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका मान लो अच्छे से यहाँ पे 3.6 था, लेकिन पेटीएम में ये आपने इतनी मेहनत की, ठीक है, वीकेंड्स बहुत मेहनत की, वीकेंड में आपने बहुत मेहनत किया, मतलब बहुत मेहनत का मतलब होता है भाई, मैं मेरे मेरे लैंग्वेज में बहुत मेहनत, बहुत का मतलब होता है 10 घंटा एटलीस्ट, यहाँ पे भी वर्ड मैं एटलीस्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, एटलीस्ट, क्योंकि हम इंसान के पास बहुत कैपेसिटी है, वी कैन एटलीस्ट वर्क फॉर 16 आवर, लाइक 16, 14 to 16 तो कर ही सकते हैं यार, बहुत नॉर्मल सी बात है, 14 to 16 इज जस्ट वेरी नॉर्मल, 8 घंटा तो सोना है, कौन सा आपको कुछ काम करना है? ये फुकट लो जिसको काम नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, द वन हु आर नॉट स्टडिंग एंड नॉट वर्किंग, जो अभी जस्ट जॉब ढूंढ रहे हैं उनका ये, और ये है
जो बी में फाइनल ईयर में, बी फाइनल ईयर में जो है, इन फाइनल ईयर, इन फाइनल ईयर, ठीक है। और वीकेंड तो करना ही है, वीकेंड तो ऑब्वियस ही बात है दोनों के लिए इम्प्लाई करता है, वीकेंड तो दोनों के लिए इम्प्लाई करता है। यार सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हॉटस्टार में आपको अच्छा खासा मिल जाता है, लाइक यू गेट समथिंग वेरी गुड पे ऑफ 12 लाख, 12 लाख का पे मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ सपोज 12 लाख का पे मिल गया एटलीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है ना। उसके बाद तो आप फिर आगे आगे का तो सॉर्टेड है ना, फर्दर इज सॉर्टेड, वरना फिर ये तो चीजें चलती रहेगी, ये चीजें चलती रहेगी। तो अभी से डिसाइड कर लो और बता दो जो भी है। सो प्लीज एनी क्वेश्चन बता दो, इट्स 10:30 ऑलरेडी। Anybody have any question, queries? किसी को सवाल नहीं है? उस्मान इज आस्किंग क्वेश्चन, फॉर अ फ्रेशर फ्रंट एंड डेवलपर हाउ मच नॉलेज वन शुड हैव। उस्मान इज अ न्यू स्टूडेंट, जस्ट अभी लास्ट मंथ ज्वाइन किए हैं बैच में, वेनसडे थर्सडे के बैच में। प्रोजेक्ट्स करो, HTML, CSS, JavaScript के प्रोजेक्ट करो, React JS के प्रोजेक्ट करो, नॉलेज कितना भी कर लो कम ही पड़ता है, ठीक है ना। कंसेप्ट समझो, अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट, जंप इनटू द प्रोजेक्ट। अली करीम सर कराते ही है, प्रोजेक्ट्स करो बहुत सा एटलीस्ट, मतलब अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो यू गो विथ, मतलब हर हफ्ते में एक प्रोजेक्ट तो आना ही चाहिए गिटहब में, एक प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट हर हफ्ते। अगर डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाले का तो बहुत अच्छा है, एवरी वीक यू शुड हैव अ वन प्रोजेक्ट एटलीस्ट। टारगेट बनाओ कि वीक में एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बाहर आने का, मतलब आप लाइव करोगे और 4 DSA के प्रॉब्लम्स लाइव करोगे, मतलब सॉल्व करोगे, अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी इंसान है उसके लिए बता रहा हूँ। और कोई, इल्लू का जो चल रहा है ना सिराज, हाँ वेब डेवलपमेंट एज एक्चुअली स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग नॉलेज भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वी हैव स्टार्टेड विद HTML CSS। उस्मान वाला जो बैच है जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो वी हैव स्टार्टेड विद HTML CSS प्रोजेक्ट। देयर आफ्टर उसके बाद फिर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ दो तीन छोटे प्रोजेक्ट होंगे जस्ट टू हैंड्स ऑन बेसिक स्टफ, उसके बाद दे विल बी गोइंग फॉर रिएक्ट। रिएक्ट के एटलीस्ट तो दो तीन से चार तो बड़े प्रोजेक्ट करना ही होता है। देखो फ्रंट एंड का सबसे बड़ा खेल क्या है पता है, फ्रंट एंड इज एवरीथिंग अबाउट CSS, फ्रंट एंड सिर्फ CSS है। HTML क्या है, HTML तो कुछ भी नहीं है, 2 घंटे में पूरा HTML खत्म हो जाता है, गिनती के 12-15 टैग तो है, उससे ज्यादा क्या है, कुछ भी नहीं है। 12-15 टैग से क्या है, इमेज टैग, मेन टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, पी टैग, एच टैग, बस यही है, 12-15 ही टैग है। मतलब जो फ्रेशर है, न्यू स्टूडेंट है, उनके लिए मान लो पूरा दिन ले लो, 8 घंटे ले लो बस, उससे ज्यादा HTML नहीं है। यू बिल्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, आपको HTML के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बिल्ड 10 प्रोजेक्ट्स ऑन HTML। CSS के कॉन्सेप्ट हो गए, CSS में बहुत है, बहुत है, इतनी चीजें है, आप HTML CSS से ही बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हो। फोकस जो आपको सिखाया गया, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट और उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ। That's it. जैसे कि रिसेंटली फॉर उस्मान बैच वी आर बिल्डिंग नेटफ्लिक्स, सो उसका रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है जैसे प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, आप खुद से बनाने की कोशिश करो इफ यू हैव अ टाइम। स्पॉटिफाई बनाओ, स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई बनाओ, बनाओ, एग्जैक्टली रिलेटेबल प्रोजेक्ट्स को खुद से रिलेटेबल बनाने। बनाओ, खुद से बनाओ, आ जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, वी विल एंड द सेशन इन 5 मिनट्स। एनीवन, एनीवन डीएसए के साथ और क्या रिक्वायर होता है, कुछ नहीं, इतना काफी है, डीएसए और वेब करो बहुत है, और कुछ नहीं, इंग्लिश थोड़ा बोलने आना चाहिए बस, ओ हो जाता है। अगर बंदा टेक्निकली बहुत अच्छा है तो कंपनी खुद लेती है। डीएसए के लिए मैं तो बोलूंगा, अगर आप अर्ली स्टूडेंट हो, अर्ली इन द सेंस लाइक यू आर इन फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ योर डिग्री एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ डिप्लोमा, तो भाई एटलीस्ट 1 DSA करो और हफ्ते में एक बार वेब का प्रोजेक्ट बाहर निकालो। बाहर निकालने का मतलब है लाइक गिटहब में लाइव करो,
जो आपको आता है, HTML आता है HTML करो, CSS आता है CSS करो, JavaScript आता है HTML JavaScript CSS तीनों करो, और जो एंड में है लाइक द वन हु आर इन फाइनल ईयर डिग्री के, आप लोग टारगेट बनाओ, यू मेक द टारगेट कि भाई मुझे दिन में 2 DSA के प्रॉब्लम करने हैं और हफ्ते में 1 बड़ा प्रोजेक्ट करना है इसका वेब डेवलपमेंट का, 2-3 महीने का टारगेट बना के कंप्लीट करो तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं। और फिर इंटरव्यूज में अप्लाई करना शुरू कर दो। और किसी को कोई क्वेश्चन? लीडकोड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा और कहीं मत जाओ, यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा, लेवल्स के हिसाब से मिल जाएगा, स्टेटस के हिसाब से मिल जाएगा, एरे स्ट्रिंग सॉर्टिंग्स और बहुत सारा। ये देखो ये इतना सारा डेटा स्ट्रक्चर का मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लीड कोड के अलावा मार्केट में बहुत है, हैकर रहेंगे हैकर रहते हैं बहुत है, लेकिन मत करो वरना यू विल बी नोवेयर। लाइक 10-12 आप करोगे फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। कंपनीज के वाइज भी है, लाइक अमेजोन के क्वेश्चन है, फिर गूगल के क्वेश्चन है, ये पेड है आई थिंक सो, हाँ ये सारे पेड है। ओके ठीक है। क्या वो इट इज बेटर टू गेट हायर पेड जॉब ऑन वर्क ऑन सर्विस साइड और वर्क एट न्यू कंपनी एट गेट हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट और सिंपली गेट प्लेसमेंट फॉर कॉलेज एंड अप्लाई योरसेल्फ? उस्मान द पॉइंट इज लाइक भाई हायर पे जॉब किसको अच्छी नहीं लगती है? अगर मैं तुमको 2 ऑप्शन दूं कि भाई 5 लाख का जॉब है और 12 लाख का जॉब है, कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली 12 लाख का ना। एट द एंड ऑफ द डे द थिंग मैटर इज क्या अकाउंट में कितना आ रहा है, ठीक है। खैर तो यहाँ पे पॉइंट ये है आपका प्रेफरेंस कैसा है। अगर आप इफ यू आर इन फाइनल ईयर एंड यू हैव द टाइम, इफ यू हैव द टाइम एंड द कॉल, आप प्रिपेयर कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक फॉर बीई स्टूडेंट। अगर कोई बीई में है, मैं बीई का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दे आर इन देयर एज केस नाउ, ठीक है ना, वो लोग आखिरी स्टेज इस पे है अपने, बस अभी निकलना है और परफॉर्म करना है। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए ऐसा केस है भाई कि वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, अगर आपके पास टाइम है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कि भाई नहीं जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, चल जाएगा 3-4 महीने और 6 महीने और, तो वो टाइम लो और सीरियसली करो और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर दो और सॉरी कंपनीज के लिए अप्लाई करो, पहले ऑप्शन। दूसरा, अगर आप अभी डिप्लोमा में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिग्री में है, तो भाई आपके पास तो बहुत टाइम है, क्यों टेंशन ले रहे हो। और क्वालिटी वर्क और क्वालिटी जॉब पे दोनों इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी वर्क तो आपको अच्छी कंपनी में ही मिलेगा ना, और अच्छी कंपनी ऑब्वियसली अच्छा पैसा देगी, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप हॉटस्टार में काम कर रहे हो, हॉटस्टार में पहली बात तो एंट्री मारना ही बहुत अपने आप में बड़ी बात है, लाइक यू हैव टू क्रैक अ वेरी गुड इंटरव्यू प्रोसेस से जाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब हॉटस्टार में आपने जॉब किया मतलब आपको पे भी अच्छी मिलेगी, सेम केस फॉर गूगल, गूगल में आपने जॉब किया मतलब पे भी अच्छी मिलेगी, पे और काम भी अच्छा रहेगा, सिंपल है। और ये सर्विस कंपनी प्रोडक्ट कंपनी ये सब बाद में सोचना भाई, अभी मत सोचो, वो यूट्यूब वगैरह में देख के पागल मत हो जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन? लास्ट 5 मिनट्स, 5-5 बोल के 10 मिनट हो गए। Any other question, people? You want to ask over the mic? You can come up. Raise the hand as well. You, if you want, no problem. Otherwise, we wind up the session here. Weekly sessions रहूँगा ये DSA का, और we want super 30 people around to get here and seriously the person who want to get the job. हमारे के पास ऐसे भी student है, मतलब हमारा एक ex student है जो अभी आज की डेट में ही इज अर्निंग इन 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है ना, और अभी पास आउट हुआ है, लाइक जस्ट लाइक
he has passed out his degree in 2022. और इन हिज डिग्री टाइम, वो डिग्री टाइम में भी भाई फ्रीलांसिंग वगैरह करता था हमारे साथ, मतलब हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह देते थे और तो वो करता था. तो भाई अभी पर मंथ 1.5 लाख की सैलरी है उसकी, सोच लो. ओनली बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज और उसने बहुत मेहनत की है अपने थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, स्टार्टिंग से ही कर रहा है वो. तो अभी भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट, डोंट गेट डिसहार्टेंड. आपके पास टाइम है, जस्ट अलॉट द टाइम. अगर आप मॉर्निंग में अलॉट कर सकते हो मॉर्निंग में करो, नाइट में कर सकते हो नाइट में करो. लाइक 2 घंटा मुझे सिर्फ DSA करना है और 2 घंटा और वीकेंड में सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट करने, ऐसे अलॉट कर लो. वर्क हार्ड, एवरीथिंग इज फाइन और जॉब लग जाएगी. ठीक है, आई थिंक वी हैव नो क्वेश्चन, वी कैन सर एंड इट नाउ. ओके श्योर. Yeah, thank you. Bye. Bye everyone. Just leave a feedback if you can want. Otherwise, we'll end up the session. Next time say we will start with the lead code or try ke every week hum like on every session we will have 2 to 3 problems at least. Chalo, bye.